नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथालोक पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं, एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा हम करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही दृष्टिकोण परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर एक प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलता है इस टॉपिक से, है ना? तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक लेक्चर में बहुत आसान तरीके से समाप्त हो जाएगा, और हम इस पर यानी आपात उपबंध पर चर्चा आज करेंगे, और आपात उपबंध से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी पर हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आपातकाल। देखिए, यदि बात करें भारतीय संविधान की विशेषता की, ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि हम किस व्यवस्था को अपनाए हैं? संसदीय शासन प्रणाली को, है ना, संसदीय शासन प्रणाली। और इसके अंतर्गत जो हमारी व्यवस्था है वो भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था, है ना? लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब, और इसके अधीन कहीं कहीं भी कहीं कहीं हमारा संविधान क्या हो जाता है? एकात्मक। यानी कहा जाता है कि संघात्मक के साथ साथ हमारा संविधान कैसा है? एकात्मक भी है ना? तो किस परिस्थिति में, यानी नॉर्मल हमारा संविधान, सामान्य परिस्थितियों में जो हमारा संविधान है वह कैसा है? संघात्मक। लेकिन जब देश में आपातकालीन स्थितियां लागू हो जाती हैं, ठीक है, जब देश में आपातकालीन स्थितियां लागू हो जाती हैं, तब इस आपातकालीन स्थिति में हमारा संविधान कैसा हो जाता है? एकात्मक। एकात्मक का अर्थ यह होता है कि हमारा संविधान जो है वह केंद्रोन्मुख हो जाता है। केंद्रोन्मुख का मतलब यह होता है कि संविधान में समस्त पावर जो है वह केंद्र सरकार के पास चली जाती है। सारी चीजें चलती वैसे ही हैं, लेकिन सारा का सारा दायित्व जो है वह किसके कंधों पर आ जाता है? केंद्र सरकार। तो कई बार प्रश्न यहां से इस तरह से भी पूछा जाता है कि वह कौन सी परिस्थिति है या कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक हो जाता है। ठीक है, तो वह परिस्थिति कौन सी होती है? वह परिस्थिति होती है आपातकाल की। आपातकाल के दौरान हमारे संविधान की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है और हमारे संविधान कैसा हो जाता है दोस्तों? एकात्मक, यूनिटरी हो जाता है फेडरल से। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं आपातकालीन उपबंधों पर। ठीक है, आपात की बात करें तो यदि सबसे पहले हम देखें कि आपातकाल की चर्चा कहां पर की गई है, ठीक है, तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं, तक दिए गए हैं, है ना? चल ठीक है, 352 से 360 तक दिए गए हैं। तो यहां से जो प्रश्न आपका बनेगा वो क्या बनता है? एक तो आपसे सीधा सीधा या तो भाग पूछ लेगा कि आपात उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है, या पूछ लेंगे कि कहां पर अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो ये या तो ये आप देख लीजिए। दूसरी चीज जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती है वह यह पूछ ली जाती है कि आपातकालीन जो उपबंध है यह जो है किस तरह से, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग आपातकाल के प्रकार देख लेते हैं, आपात के प्रकार, है ना, कि संविधान के अंतर्गत आपात कितने प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, तो आपात जो है यहां पर संविधान में तीन प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, चल, तीन प्रकार के आपात दिए गए हैं। तो सबसे पहली पहला जो टॉपिक है, पहला कौन सा दिया है? राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कौन सा दिया है? राष्ट्रीय आपात, है ना। दूसरा दिया हुआ है आपका राज्य आपात, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कॉमन बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और तीसरा जो प्रकार है वह तीसरा प्रकार है आपका वित्तीय आपात, है ना,
वित्तीय आपात। अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल कहां पर दिया है, यह संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब अनुच्छेद कैसे आप याद रखेंगे, यदि 352 आपको याद है तो प्लस 4 कर दीजिए, जब प्लस 4 आप करेंगे तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 356, ठीक है, अनुच्छेद 356, फिर इसी में 4 और ऐड कर दीजिए तो अनुच्छेद 360, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कहां दिया है, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया है, राज्य आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया है, और वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है, ठीक है, 360 में वर्णित है। अब यहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के आधार क्या होते हैं, इनकी उद्घोषणा कौन करता है और क्या चीजें होती है डिटेल में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रकार की। अब आइए हम पढ़ते हैं यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल संविधान का अनुच्छेद 352। यदि सबसे पहले हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, यानी प्रोक्लेमेशन किसके द्वारा किया जाएगा, उद्घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति यहां पर करता है, तो क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कर देगा जैसे पहले होता था 44वें संविधान संशोधन के पहले, क्या राष्ट्रपति की अपनी इच्छा से कर सकता है वो या नहीं कर सकता है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए राष्ट्रपति कैसे, किसकी सूचना पर करेगा कैसे, तो राष्ट्रपति जो है वह कैबिनेट की लिखित सलाह पर है ना। अब कैबिनेट का मतलब यहां क्या होता है, कैबिनेट का मतलब पूरी कैबिनेट, यहां यह मतलब नहीं है, कैबिनेट का मतलब पूरी कैबिनेट, यहां कैबिनेट का अर्थ ये नहीं कि केवल प्रधानमंत्री, जैसे पहली बार जब लगाया गया था भारत में आपातकाल तो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, है ना, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, आंतरिक अशांति के आधार पर पहले घोषणा कर दी और बाद में कैबिनेट को सूचित किया, तो ये क्या थी, एक तरह से निरंकुशता थी, यानी मेरी इच्छा, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। तो इस निरंकुशता को हटाने के लिए यह संशोधन कर दिया गया कि कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। और यहां पर एक चीज स्पष्ट आप समझ लीजिए, कैबिनेट का अर्थ यहां कतई या नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री की संतुष्टि, नहीं, ठीक है, कैबिनेट की सलाह पर ही करेगा, ना कि प्रधानमंत्री की, ठीक है, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कैसे करता है, राष्ट्रपति अपने से नहीं करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर करेगा, राष्ट्रपति कैसे करेगा, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। आप दूसरी चीज देखिए, ये तो बात हो गई उद्घोषणा की, अब हम बात कर लें आधार की, कि क्या आधार है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल यदि आप लाते हैं, उद्घोषणा करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के क्या आधार है, तो संविधान के अनुच्छेद 352 में तीन आधार है, पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, ठीक, ये सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, इसकी जगह पर पहले क्या था, आंतरिक अशांति था, पहले क्या था सशस्त्र विद्रोह की जगह, आंतरिक अशांति, ठीक, इंटरनल डिस्टरबेंस, यदि कोई आंतरिक अशांति होती है तो उस पर लगाया जा सकता था, लेकिन ये पहले क्या, इसे हटाया कब गया, तो इसे हटाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1928 द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम
1978 द्वारा, ठीक समझिएगा। तीन आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया, तो इसे 44वें द्वारा ही जोड़ा भी गया था, और इस पहले क्या था सशस्त्र विद्रोह की जगह पर, आंतरिक अशांति थी, इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है। तो ये तीन आधार हैं, यहां से भी प्रश्न आपका बनता है, इसे आप जो है ध्यान रखिएगा, द्वारा हटाया गया, ठीक। चल ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बात हो गई उद्घोषणा की और आधार की, अब हम बात करते हैं कि यदि एक बार उद्घोषित हो जाती है, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कर दी, तो यह उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहेगी, प्रवृत्ति कितने समय तक रहेगी, ठीक है। आइए उद्घोषणा की अवधि, उद्घोषणा की अवधि, ठीक कितनी अवधि होगी, देखिए यदि एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है, तो यह यदि एक बार उद्घोषणा की जा चुकी है तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में, बनी रहेगी, है ना, बनी रहेगी। और 6-6 माह करके इसे कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये 6-6 माह जो है ये 6 माह तक रहती है। अच्छा ये मान लीजिए ये तो हो गई उद्घोषणा की अवधि, इसका अनुमोदन कितने समय में होना आवश्यक है, ठीक है। तो अनुमोदन की यदि हम बात कर लें, अनुमोदन, ठीक, तो अनुमोदन इसका कितने समय में होना आवश्यक है, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर यदि संसद अनुमोदित नहीं करती तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक। यानी अनुमोदन कितने समय में होना आवश्यक है, राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा की गई या कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, तो 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर, है ना। और यदि मान के चलिए कि अनुमोदन होने के पहले ही लोकसभा भंग हो गई, तब क्या होगा भैया, लोकसभा ही भंग हो गई, संसद के दोनों सदन द्वारा इसे अनुमोदित होना है, एक सदन नहीं, राज्यसभा तो भंग नहीं होती, एक स्थायी सदन होता है राज्यसभा, लेकिन मान लीजिए लोकसभा 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की और 10 दिन के अंदर लोकसभा भंग हो गई, तो यहां पर ये कहते हैं कि यदि लोकसभा भंग हो गई तो राज्यसभा अनुमोदन कर देगा और लोकसभा के समवेत होने पर, यानी लोकसभा दोबारा जब गठित होती है तो गठित होने से 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना आवश्यक है उसका भी, क्लियर। तो यहां पर इतने बिंदु आपके महत्वपूर्ण है, ठीक। अब बताइए आप अगला जो बिंदु है कि अब तक कितनी बार लगा है, तो अगला बिंदु है अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा
की जा चुकी है, कब कब की जा चुकी है ये भी लिख लीजिए। सबसे पहले कब की गई थी, 1962 में, 1962 में, फिर 1971 में और 1975, ठीक है, तीन बार की जा चुकी है। ठीक है, तो यहां पे आप इसको नोट कर लीजिएगा कि कितनी बार हुई। तो ये तो तीन ये महत्वपूर्ण बिंदु थे आपकी राष्ट्रीय आपातकाल से, है ना, कि राष्ट्रीय आपातकाल से। तो ये बिंदुओं को आप देख लीजिए एक बार, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, कैसे करेगा, कैबिनेट की लिखित सलाह पर करेगा, ना कि प्रधानमंत्री अकेले की। आधार क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की जगह पर पहले क्या था, आंतरिक अशांति था, और आंतरिक अशांति को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्घोषणा की अवधि यदि हम बात कर लें, तो उद्घोषणा की जो अवधि होती है, यदि एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है, तो यह कितने समय तक प्रवर्तन में बनी रहती है, 6 माह तक। और इसका अनुमोदन संसद द्वारा कितने समय में किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय आपात को 1 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी इसका अनुमोदन किया जाना अत्यावश्यक है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, दूसरा जो आपका है राष्ट्र, ये है राज्य आपातकाल। ठीक, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 356 में। याद करने का तरीका भी जान लीजिए, 352+4 356 राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 356+4 360 जिसे आप क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, सॉरी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये राज्य आपातकाल क्या होता है, कब लाया जाता है, देखिए राज्य आपातकाल को ही राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, है ना। ठीक है, दूसरा, अब इसका उद्घोषणा, ठीक है, उद्घोषणा कौन करेगा, उद्घोषणा तो तीनों जो आपके आपात हैं, तीनों आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, तो एज यूजुअल यहां भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, अब राष्ट्रपति यहां पर, राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करेगा वो कैसे करता है, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर, या खुद का समाधान हो जाने पर, खुद का समाधान हो जाने पर। ठीक, अब यहां पर देखिए, राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट पर करेगा, राज्यपाल, क्यों, क्योंकि राज्यपाल को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार का अभिकर्ता भी कहा जाता है, एजेंट भी। इसका काम क्या होता है राज्यपाल का, राज्यपाल का काम होता है समय समय पर राज्य की जो गतिविधि होती है उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचना देता है। ठीक, यदि राज्यपाल ने सूचना दे दी कि भैया इस राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल हो चुकी है, मतलब शासन जो चलता है वो कैसे चलता है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलता है। संविधान क्या कहता है, भैया बहुमत की सरकार होनी चाहिए, किसी ने कह दिया भैया इनके पास बहुमत नहीं है, अगले व्यक्ति ने ला दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव में आपको समय दिया गया, आप उतने समय के अंदर क्या कर रहे हैं, नहीं अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ कर पा रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है या राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, यहां पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में इंपोज कर सकता है, लगा सकता है। ठीक है, तो ये घोषणा कैसे करेंगे, इसके आधार पर। आधार क्या है, आधार, राज्य की
संवैधानिक व्यवस्था के फेल हो जाने पर राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है वह असफल हो गई है या फेल हो गई है। ठीक, तो राज्य की जो व्यवस्था है संवैधानिक उसके फेल हो जाने पर क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ठीक, इसका अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन अनुमोदन कैसे किया जाएगा, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से संसद के साधारण बहुमत से दो माह के अंदर इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। ठीक, आवश्यक है, यानी जो अनुमोदन होगा, जिसे राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी राज्य में, तो उसका अनुमोदन कैसे होगा, संसद के दोनों सदनों से कैसे होगा, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से जिस दिन उद्घोषणा होती है उससे 2 माह के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए, और यदि नहीं होता है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और यदि एक बार अनुमोदन हो गई तो इसका जो है वो प्रभाव कितना रहेगा, है ना, प्रभाव, उद्घोषणा का प्रभाव। राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदित हो जाने पर, एक बार अनुमोदित हो जाने पर 6 माह तक जारी रहेगा। ठीक, और यदि आगे करना है तो फिर से अनुमोदन आवश्यक है, आगे यदि कंटिन्यू करना है कि 6 माह के बाद भी कंटिन्यू रहे तो फिर से अनुमोदन होगा, और फिर अगले 6 माह, और फिर करना है तो फिर यही प्रक्रिया। तो अगले पॉइंट में आप लिख लीजिए इसमें 6-6 माह करके, इसे करके 6-6 माह करके इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया, 3 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी 6-6 माह करके इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि 3 वर्ष के आगे भी ले जाना है तब क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष के आगे ले जाने पर आपको संविधान में एक संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, और संविधान में संशोधन करने के बाद ही इसे आप क्या करेंगे, इसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 3 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप यहां पर राष्ट्रपति शासन के बारे में ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अनुमोदन कैसे होता है, कितने समय में, उद्घोषणा का प्रभाव कितने समय तक रहेगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है तब उसके संवेत होने पर 1 माह के अंदर जो है, यानी राज्यसभा ने अनुमोदित कर दिया, लोकसभा फिर से गठित होती है तो उससे 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिखना हो आप लिख लीजिए। अगला जो तीसरा प्रकार है वह कौन सा है दोस्तों, वह है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात की बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ठीक है, 352, 356, 360, ठीक है, 360 में दिया गया है। अब वित्तीय आपातकाल का यदि हम आधार देखें कि किस आधार पर राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, तो आधार क्या है,
भारत की वित्तीय क्या हो जाए, साख, ठीक है, वित्तीय अस्थायित्व, वित्तीय अस्थायित्व या साख, साख मतलब क्रेडिट, ठीक है, खराब हो जाए, खराब होने पर। जैसे आपकी क्रेडिट खराब हो जाए तो आपको कोई उधार देगा? एक बार आप पैसा लेके जाइए और कह दीजिए बस आप दे दो यार, दो दिन में दे देंगे पैसा तुम्हारा फट से। अब पता चला 2 महीना तक होश ही नहीं है, वो अगला आदमी जब 2 महीना बाद फोन लगा रहा है तो पता चला नॉट रिचेबल। तो वही चीज यहां पर भी है, यानी भारत की क्या हो जाए, वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थायित्व और साख खराब हो जाए या संकट में आ जाए। इस कंडीशन में उद्घोषणा कौन करता है? तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भी कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, उद्घोषणा कौन करेगा बेटा? उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति। और यदि इसका अनुमोदन, अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए? ठीक है, तो अनुमोदन के लिए जो समय दिया गया है, यह बिना अनुमोदन के कितने समय तक रह सकती है? 2 माह तक। ठीक, यानी अनुमोदन कितने समय में हो जाना चाहिए? 2 माह में। और यदि एक बार अनुमोदित हो गई तो अनिश्चित काल तक ये बनी रह सकती है। ठीक है, एक बार अनुमोदित, एक बार अनुमोदित हो जाने पर यह अनिश्चित काल तक, यह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, है ना, या अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। और अनिश्चित काल का मतलब अगले आदेश तक। और इसको रिवर्ट कैसे किया जाएगा? अगली उद्घोषणा एक राष्ट्रपति करेगा और अगली उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति इस वित्तीय आपातकाल को वापस ले सकता है। ठीक है, तो इसका अनुमोदन कितने समय में हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के 2 माह के अंदर, है ना। तो बिना उद्घोषणा के कितने समय तक रह सकती है? ये 2 माह तक। और 2 माह के बाद क्या होगा? यदि एक बार अनुमोदित कर दी गई संसद के द्वारा, तो संसद के द्वारा अनुमोदित हो जाने पर यह अनिश्चित काल तक बनी रहती है। ये बात हो गई आपकी वित्तीय आपातकाल। अगला जो पॉइंट है इसमें कि यदि वित्तीय आपातकाल की हम बात करें कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कितनी बार तक? तो अब तक कभी भी नहीं, अब तक कभी भी भारत में नहीं लगाया गया है, कभी भी नहीं लगा है, है ना। हम भारतीय क्या है ना, 10 रुपया कमाते हैं तो 2 रुपया बचाने की सोचते हैं, इसलिए क्या होता है हमारे यहाँ क्या है, वित्तीय अस्थिरता नहीं आती है। बाहर के क्या है, विदेश के लोग, उनको आईफोन खरीदना है तो चाहे वो क्रेडिट लेके खरीद लें, लेकिन आपको आईफोन खरीदना है तो आप सोचना पड़ता है आपको। ठीक है, ये टेंडेंसी है, ठीक है, भारतीयों की। चल, तो ये तो बात हो गई बेटा तीनों आपातकाल की, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अब इन आपातकाल का जब डिक्लेरेशन हो जाता है तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन व्हिच हैज बीन मेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति महोदय ने तीनों आपात की उद्घोषणा में से किसी एक की भी की हो तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव क्या होगा? तो आइए वो भी हम समझ लेते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, क्या प्रभाव होगा बताइए। ठीक है, चल, उद्घोषणा का प्रभाव पहला तो ये होता है, पहला, संघ की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार हो जाता है, संघ की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार। क्या अर्थ हुआ इसका?
संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार हो जाता है। मतलब भैया अभी तक कानून बनाने, अभी तक क्या है, व्यवस्था कैसी चल रही है, संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। राज्य अपनी जगह काम कर रहे हैं, केंद्र अपनी जगह काम कर रहा है, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफियर नहीं कर रहा है। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल की, ठीक है, तो यह क्या है, विस्तार हो जाता है। और विस्तार कहां तक होता है, का विस्तार राज्यों को निर्देश देने तक, राज्यों को निर्देश देने तक, ठीक, देने तक। अब ये क्या मतलब हुआ, अभी देखिए जब कोविड का समय चल रहा था, कोविड का समय चल रहा था, तो कोविड के समय क्या होता था, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री जो थी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी जारी करती थी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी जारी करती थी, और इस एडवाइजरी को क्या होता था, सभी राज्य फॉलो करते थे, मानते थे। यानी केंद्र जो हेल्थ एडवाइजरी जारी करती थी उसको सारे राज्य मानते थे। उसी तरह यहां पर भी क्या होता है, जब देश में आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है तो राज्यों को निर्देश देने की शक्ति केंद्र के पास आ जाती है, ठीक है, समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के दौरान क्या हुआ, कि कोविड के दौरान सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी जारी करती थी और उस एडवाइजरी को सभी राज्य फॉलो करते थे। उसी तरह से जब आपातकाल की बात हम करेंगे, आपातकाल, तो इस आपातकाल में भी क्या होता था, आपातकाल स्थितियों में, आपातकाल में केंद्र सरकार यानी संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार क्या हो जाता है, राज्यों को निर्देश देने की, राज्य निर्देश देते थे, ठीक है बेटा। यहां पर हमने आपको बताया, तो आपातकाल के दौरान में भी क्या होता है, पहला जो प्रभाव यह पड़ता है कि संघ की कार्यपाल की शक्ति का विस्तार राज्यों को निर्देश देने तक हो जाता है, ठीक है। राज्यों को ये क्या करेंगे, निर्देश देंगे कि किस तरह से आपको काम करना है, जो हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा, दूसरी शक्ति क्या हो जाती है, दूसरा संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है, संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। यानी विधायी विस्तार, विस्तार का मतलब, विधायी का मतलब क्या होता है, कानून बनाने की जो अधिकारिता होती है, कानून, है ना। तो संसद जो है, जैसे सातवीं अनुसूची है, तो संविधान की सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तीन सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब आपातकाल लग जाता है तो संघ की जो संसद की शक्ति होती है वह विस्तारित हो जाती है, और वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो संसद की क्या होती है, विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। विस्तार का मतलब यहां यह हो जाता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की अधिकारिता उसे प्राप्त हो जाती है, है ना। अभी तक क्या कि यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, शक्ति का संघात्मक व्यवस्था है, तो संघात्मक में सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन जब संविधान एकात्मक हो जाता है, संविधान केंद्रोन्मुख हो जाता है, आपातकाल लागू कर दिया गया, तो संसद की विधायी शक्ति का क्या हुआ दोस्तों, यहां पर विस्तार हो गया। समझ में आ गया कि विस्तार का अर्थ यहां पर कैसे हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ। संघ व राज्यों के मध्य, संघ व राज्यों के, संघ व राज्यों के मध्य राजस्व संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, ये भी शक्ति है। अभी यहां पर क्या होता है, संघ और राज्य में अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से जो पैसा आता है उसका बंटवारा होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या देश में आपातकाल की स्थिति विद्यमान होती है, तब ऐसी आपातकाल स्थितियों में क्या होता है, यह जो संबंध होता है संघ और राज्य के मध्य,
पैसे के बंटवारे के को लेकर इस संबंध में क्या होता है, यहां पर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्लियर हो गया। अगला जो दायित्व आता है वह देखिए इंपैक्ट क्या पड़ता है बेटा, संघ पर दो कर्तव्य अधिरोपित हो जाते हैं जब आपातकाल लग जाता है। कौन कौन से, और ये कहां दिया है, अनुच्छेद 355 में दिया है। क्या क्या दो कर्तव्य हैं? पहला कर्तव्य तो ये है इनका कि राज्यों को सुरक्षा प्रदान करें, राज्यों को युद्ध व बाह्य आक्रमण से, युद्ध व बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करें। पहला दायित्व है इनका, पहला कर्तव्य है कि आप राज्यों को सिक्योर करें, या आपका दायित्व है कि राज्यों को भरोसा दिलाएं कि चाहे देश में युद्ध होगा, चाहे बाह्य आक्रमण कोई होगा, हम आपकी सुरक्षा का दायित्व, हम अपने सुरक्षा के दायित्व के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, सुरक्षा के कर्तव्य का निर्वहन। दूसरा जो कर्तव्य होता है वह होता है प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के प्रावधानों के अनुरूप चले। ठीक, ये है ना, यानी ये भी आपको देखना है कि जो व्यवस्था है वह एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चले। ठीक, चरमराने न पाए व्यवस्था, व्यवस्था को कंट्रोल करने का भी दायित्व आपके ऊपर है। ये ऐसा नहीं कि आपकी तरफ देखने लगे तो पता चला राज्य की, राज्य का मुख्यमंत्री आप सस्पेंड कर दीजिए, ये नहीं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की व्यवस्था भी चलती रहे यह दायित्व भी आ जाता है, यह प्रभाव पड़ता है उद्घोषणा का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब अगला जो इंपैक्ट पड़ता है वह ये पड़ता है कि मान लीजिए वित्तीय आपातकाल लागू हो गया, तब क्या होगा भैया, देश में अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो वित्तीय आपातकाल की दशा में, वित्तीय आपात की दशा में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है, वेतन और भत्तों में इनके कटौती कर ली जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होंगे इनके वेतन और भत्तों में कटौती कर ली जाएगी वित्तीय आपातकाल की दशा में। ठीक है, अगला जो आपका आता है वो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मान लीजिए मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, दो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, यानी मान लीजिए अभी तक तो ये सारे प्रभाव देखे आप, लेकिन यदि देश में आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो उस इमरजेंसी का, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, क्या व्यवस्था होगी। ठीक, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव के संबंध में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। पहला तो है अनुच्छेद 358, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है अनुच्छेद 359 पर। ठीक है, क्या होता है 358 क्या है और 359 क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 358 ये कहता है, जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है,
वैसे ही जैसे ही राष्ट्रीय आपात काल की उद्घोषणा की जाती है, वैसे ही अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का प्रवर्तन स्वतः निलंबित हो जाता है, एज सुन एज द प्रोक्लेमेशन हैज बीन मेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 विल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। दो चीज समझिएगा, क्या मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं या मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सस्पेंड होता है। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा कि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सस्पेंड होता है, उनका प्रवर्तन सस्पेंड होता है, निलंबन उसका होता है, ना कि मौलिक अधिकारों का। यानी यह कहता है कि यदि ऐसी स्थिति हो जाए, आपातकाल लग जाए, तो अनुच्छेद 19 में जो आपको स्वतंत्रता दी गई है उसके संबंध में संसद कानून बना के आपकी स्वतंत्रता पर सीमित कर सकती है स्वतंत्रता को, या पूरी तरह से आपके स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर सकती है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसका मतलब यह है कि आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या आपकी मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है। नो, यू कैन नॉट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 358 यह सुरक्षा दे रहा है उनको, ठीक है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या होते हैं? स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इन स्वतः निलंबित का मतलब, एक तरफ आपात की उद्घोषणा हुई और ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव क्या होगा, अटैच होता है। एज सून एज, जैसे ही वो हुआ, यहां पर ये सस्पेंड हो जाएगा प्रवर्तन। लेकिन अनुच्छेद 359 क्या कहता है बेटा? 359 पे क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के साथ साथ एक नई उद्घोषणा इस संबंध में जारी करेगा कि भाग 3 में प्रदत्त समस्त मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर भाग 3 में प्रदत्त समस्त मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर का प्रवर्तन निलंबित किया जाता है, ठीक। ये प्रभाव पड़ेगा, यानी ये कहते हैं कि एज सून एज द प्रोक्लेमेशन हैज बीन मेड बाय द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड अ न्यू ऑर्डिनेंस व्हिच हैज डिक्लेयर्ड दैट ऑल द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3 एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड। यानी अनुच्छेद 359 कहता है कि जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे, वैसे ही अनुच्छेद भाग 3 में प्रदत्त समस्त मौलिक अधिकार, कौन कौन से छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, सभी मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन क्या हो जाता है? वह निलंबित हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपसे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों के प्रभाव से जुड़े हुए हैं, 358 और 359। 358 कहता है आपका कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त समस्त मौलिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, 6 की 6 आपकी सस्पेंड हो जाती है। जैसे वाक्यम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता,
संगम संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्त उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये 19 में प्रदत्त है आपके, तो 19 में जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनका प्रवर्तन क्या हो जाएगा, वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए कोई अध्यादेश राष्ट्रपति को नहीं जारी करना है कि जैसे 359 में एक नया अध्यादेश जारी करना पड़ता है, तो 358 में कोई अध्यादेश नहीं जारी करना पड़ेगा, ये अपने आप निलंबित हो जाएंगे। जबकि 359 कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल के साथ साथ एक नई उद्घोषणा जारी करना पड़ेगा उसको, जिसमें यह कहा गया हो कि अनुच्छेद भाग 3 में प्रदत्त समस्त मौलिक अधिकार केवल 20 और 21 को छोड़कर। तो यहां से जो प्रश्न बनता है कि आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद, मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता या उसका प्रवर्तन निलंबित नहीं होता, तो अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं होता, शेष सभी मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन जो है वो निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का जो आपका लेक्चर था जिस पर हमने बात किया आपात उपबंध पर। ठीक है, आपातकालीन यानी एक बेहतर तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया कि आपातकाल क्या होता है, आपातकाल किस तरह से लागू किया जाता है, आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, आपातकाल की क्या परिस्थितियां, ये सारी चीजों पर हमने यहां पर चर्चा की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। कमेंट करके फीडबैक जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर हमारा। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।